एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद कासगंज के ब्लॉक गंज डुंडवारा में स्थित अजीजपुर गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर है। वर्तमान में गांव के प्रधान नरेंद्र कुमार हैं। लगभग 4000 जनसंख्या व 1800 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है, लेकिन सरकार की अनदेखी के कारण गांव में काफी मूलभूत सुविधाओं की कमी देखने को मिल रही है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बात अगर विकास कार्यों की करें तो गांव में 57 हैंडपंप, 100 विद्युत पोल, 12 विद्युत ट्रांसफार्मर भी गांव में लगे हुए हैं। वर्तमान ग्राम प्रधान की देखरेख में गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, सीसी रोड, पानी निकासी के लिए नाली, पंचायत भवन की बाउंड्री, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 112 इज्जत घर का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में खडंजा, सीसी टाइल्स रोड, पानी निकासी के लिए नाला, स्वास्थ्य केंद्र, बारात घर, प्राइमरी स्कूल की बाउंड्री, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। विकास करवाया है उसके बारे में थी। ग्राम पंचायत में पुलिया, 3 पुलिया निर्माण, नाली व इंटरलॉक, पंचायत घर मरम्मत और शौचालय, नल मरम्मत और आवास प्रधानमंत्री और लोहिया आवास। ग्राम पंचायत में एक स्कूल की आवश्यकता और ग्राम पंचायत में पानी के निकास के लिए नाला व नाले की मरम्मत का नाला बनवाने के लिए और ग्राम पंचायत में लाइन बत्ती की कोई व्यवस्था नहीं है, उसके लिए 11,000 करवाने के लिए और ग्राम पंचायत में कोई तालाब की व्यवस्था है नहीं और पैसा विकास हमारा उसके हिसाब से विकास से मांग करने के लिए स्वास्थ्य केंद्र की यहाँ व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र चाहिए और सौर्य लाइटें यहाँ लगी नहीं है, सौर्य लाइटें 60 कम से कम लगनी चाहिए और प्रधानमंत्री आवास योजना कम से कम लगभग 40 आवास की यहाँ आवश्यकता है और वृद्धा पेंशन और लोहिया विकलांग पेंशन का से मांग करते हैं कि मानदेय कम से कम 10,000 रुपये होने चाहिए, 3500 रुपये मिलता है, उससे कोई खर्चा पानी चलता नहीं है, क्या होता है उससे रोज 200 रुपये की पेट्रोल खर्च हो जाती है।